उमर अब्दुल्ला का बयान, गुनहगार के परिजनों को नहीं दिया जा सकता दंड, उमर अब्दुल्ला ने एलजी से भी किया सवाल। सरस मेले के समापन समारोह में एलजी की शिरकत, मैगजीन उम्मीद से रोजगार का किया विमोचन, कहा महिलाओं को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता। गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार के काम की प्रशंसा, कहा उग्रवाद पथराव और अन्य कानून व्यवस्था की घटनाओं में आई कमी, लेकिन किसी को फंसाना गलत, पूछा यूटी में हालात सामान्य है तो चुनाव क्यों नहीं। श्रीनगर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन, 10,000 से ज्यादा युवकों ने लिया हिस्सा। बादमवारी फेस्टिवल 2023, पर्यटन निदेशालय कश्मीर द्वारा फेस्टिवल का किया गया आयोजन, लोगों में देखा गया उत्साह। दुकसर दलवाह गांव के पीड़ितों का प्रदर्शन पिछले एक महीने से जारी, पुनर्वास के लिए कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, समस्या का चाहते हैं स्थायी समाधान। भगौड़े अमृतपाल की तलाश जारी, पंजाब में पुलिस का मेगा सर्च ऑपरेशन, समर्थकों की धरपकड़ जारी, पंजाब में मोबाइल इंटरनेट पर कल दोपहर 12 बजे तक प्रतिबंध। जम्मू कश्मीर के रामपुरा बांडीपुरा में संपत्ति की गई जब्त, आतंकवाद से संबंधित मामले में की गई कार्रवाई। लद्दाख के लिए छठे शेड्यूल के संरक्षण, पर्यावरण और अन्य मुद्दों पर एक दिवसीय चर्चा का आयोजन, एपेक्स बॉडी यूथ का प्रोग्राम, सोनम वांगचुक समेत कई हस्तियों की शिरकत। शिक्षा मंत्रालय के पर्यवेक्षक गगन कुमार कामत ने किया करगिल का दौरा, कई साक्षरता केंद्रों का किया दौरा, असेसमेंट के सुचारू संचालन की निगरानी के लिए विभिन्न केंद्रों का दौरा। सेंट्रल गवर्नमेंट की इमारतों से शिमला नगर निगम वसूलेगा अब टैक्स, 184 बिल्डिंग की गई चिन्हित, सरकार को भेजा प्रपोजल। चंबा में सुबह 8:08 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके, दहशत में आए लोग अपने घरों से निकले बाहर, जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं। कांगड़ा में बैजनाथ के भीड़ में होगा प्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन, 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चलेगी प्रतियोगिताएं, देश दुनिया के पैराग्लाइडर्स और पैराशूटर्स लेंगे हिस्सा, 8 साल बाद होने जा रहा है आयोजन। इमरान खान का दावा, मुझे मारने की थी साजिश, कुछ लोग वहां के लिए पहुंचे थे पोजीशन पर, अगर वहां से तुरंत नहीं निकलता तो होता खून खराबा।